हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 8 बजे और अभी मैं उठ गया हूँ और अपने बाल में उठते सबसे पहला काम मैंने किया ये लेमन का जूस लगाया हुआ है, क्योंकि आई डोंट नो क्यों ये वेदर चेंज होने की वजह से या पानी चेंज होने की वजह से डेंडर बहुत तेज़ हो रहा था। और इवन मेरे सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बाकी और भी लोग हैं उनके साथ भी हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि कभी मेरे साथ हुआ नहीं है बट डेंडर बहुत तेज़ हो रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, किटोमोजोल, किटोमैक, दुनिया भर के जो शैम्पूस होते हैं ना वो कर रहे हैं। दो लोग तो डॉक्टर के पास भी जा चुके हैं, डॉक्टर ने वहीं कुछ शैम्पूस कुछ चीज़ें प्रिस्क्रिप्शन में बता दिया। मैं कहा कि मैं अपने पैसे वेस्ट करने नहीं वाला हूँ, हम इंडियंस हैं, हमारे पास बहुत सारे होम रेमेडीज़ होती है। तो मैंने सिंपली लेमन यूज़ करा है, लगाया है और यूज़ करूँगा ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने इंडिया में ट्राई करा है। इंडिया में हालांकि मेरे पास डैंड्रफ होता नहीं था, बट जैसे सर्दियाँ जाती हैं जब समर स्टार्ट होता है ना, तो स्किन जो होती है ना, स्किन अपने डेड स्किन से या फिर जो भी होता है लेयर छोड़ता है, तो वो डैंड्रफ होता है। तो मैंने वो ट्राई करा था, मैं ठीक हो गया था, फिर यहाँ भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। जो चीज़ मेरा मतलब 1 यूरो में पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो मैं क्यों 50 यूरो 60 यूरो खर्चा करूँ डॉक्टर की फ़ीस में और उसके बाद फिर 70-80 यूरो का मेडिसिन, ये दुनिया भर की चीज़ें। तो मैं चिल कर रहा हूँ आराम से लगा कर, अगर मेरे पे वर्क कर जाएगा तो मैं बाकी लोगों को बताऊँगा। हालाँकि कई बार इसलिए नहीं बताता ना, क्योंकि ये हमें पता है ये वर्क करता है, बट बाकी लोगों को ना वो लगता है कि नहीं ये पता नहीं है वर्क करेगा नहीं करेगा क्या है कैसे है। मैं कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है बताने का, जब सामने से कोई पूछे तो बताना ज़रूरी है, बता दो। लेकिन अपने से अगर ज्ञान किसी को दो ना, तो ज्ञान की कीमत नहीं होती है। ज़रूरतमंद को मदद करना चाहिए, अगर आप बिना मांगे बिना हाथ फैला आप मदद कर रहे हो ना, तो आपकी कीमत नहीं होती है। तो मैं वही कर रहा हूँ। फिलहाल मेरा एक फ्रेंड है आने वाला है रेनाडो, क्योंकि उसको उसका जो अपार्टमेंट है उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और हमारे 10 डेज़ का हॉलीडेज़ हैं और उसको नया अपार्टमेंट अभी तक कहीं मिला नहीं है। तो 10 दिन हॉलीडेज़ के लिए वो शास्त्री जा रहा अपने दोस्त के पास, तो उसको सामान लगेज रखने से, तो परेशान था कहाँ रखो। मैं बोला कोई नहीं, मेरे पास काफ़ी स्पेस है, ला के लगेज रख दो। तो वो लगभग 12 से 1 बजे के आसपास वो आएगा, तो इसलिए मैं आज एयरपोर्ट भी नहीं जाऊँगा लंच करने के लिए। मैं यहीं पर रात में सब्ज़ी बनाया तो वो बचा हुआ है, अब बस राइस बना लूँगा खा लूँगा। और सारा मेरे को देखना है कि कहाँ कहाँ का सामान सेट करना है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे सामान है, मतलब 3-4 सूटकेस हैं शायद, और उसके पास बाकी छोटे छोटे बैग्स भी बहुत सारे। तो मैं सोच रहा किधर रखूँगा। एक तो जगह मेरे को समझ में आ रही है, जो टेबल है ना स्टडी टेबल मेरा, तो ये स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल के नीचे मैं कुछ एडजस्ट कर सकता हूँ, और इस साइड में ये पूरा स्पेस खाली है ना कॉर्नर में, इधर एडजस्ट कर दूँगा। तो आई थिंक इतने में ही ये पूरा उसका सामान आ जाना चाहिए। चलिए फिलहाल मैं अपनी स्टडी तो नहीं, अभी एडिटिंग कर रहा हूँ, स्टडी शाम में करूँगा, क्योंकि कल एडिटिंग मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। मेरा प्लान था पूरा एडिटिंग कंप्लीट कर लूँ, लेकिन हुआ ये था कि मेरे फ्रेंड का कॉल आ गया था, जो कि मेरा जिगरी यार है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो लॉ फैकल्टी है, लॉ पढ़ाता है बच्चों को। तो हम जब भी बात करते हैं ना भूल जाते हैं हम क्या बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे ऐसे बातें हो जाती हैं। तो मैं वो करने लग गया था, हम लोग बातें करने लग गए थे, उसके बाद मैं डिनर करने गया। फिर डिनर करने गया तो हमारे एक कलीग है, उसको कुछ प्रोजेक्ट्स मिला हुआ है, प्रोजेक्ट का रिव्यूज़ लेने थे सबसे, तो गूगल सीट के रिव्यू भेजे, तो उसमें 45 से 50 मिनट लगे, बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म था, मतलब 100-150 क्वेश्चन थे। तो वो उसको आज सबमिट करना था एट एनी हाउ, तो मैं बोला चलो कर देता हूँ। वो करने लग गया तो रात हो गई, 1 बज गया था, तो मैं कहा सो जाता हूँ, तो सो गया, कर नहीं पाया। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ एडिटिंग करूँगा, फटाफट कर लेता हूँ, क्योंकि 2 घंटे में मतलब 11 बजे की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, तो ठीक रहेगा, क्योंकि रेनाडो आएगा तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम तो उसमें भी जाएगा। चलिए फटाफट टाइम स्किप ना कर लेते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करेंगे। फ्रेंड्स अभी मैं बालकनी से बाहर ही आ रहा, तब तक यहाँ से मैंने देखा एक जर्मन सफर डॉग गुजरा है, और पूरा जंगल वाला, मतलब मैंने जर्मन सफर देखा था यहाँ पर, बट इतना भयानक होते हैं मुझे नहीं पता था कि, हमने इंडिया में देखा जो पालते हैं वो मतलब उतने बड़े नहीं होते हैं, बट इतना पूरा जैसे भालू होते हैं उतना आ गया था, पूरा था भयानक सा, बड़ा सा एकदम मोटा सा, और दौड़ कर ऐसे जा रहा था। तो मैं तो डर गया, क्योंकि ये हमारे कंपाउंड में नॉर्मली आते नहीं, क्योंकि हर जगह सिक्योरिटीज़ होती है, हर जगह ब्लॉकेज होते हैं, बट आई डोंट नो ये कहाँ से घुस गए और ये पूरा ऐसे ही घूम कर ऐसे जा रहा था यहाँ से। तो मेरे को अब नीचे जाने में भी डर लगेगा, मेरे को सिक्योरिटी इंचार्ज को बताना पड़ेगा कि ऐसा हुआ है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे जहाँ से भी एंटर कर रहा है। आई डोंट नो ये कैसे हो गया, बट इतना हैवी, मैं ट्रस्ट में इतना हैवी डॉग मैंने नहीं देखा कभी, क्योंकि हमने जर्मन से अगर इंडिया में देखा है वो पालतू, तो हमारे यहाँ नेचुरली तो होते नहीं, वो पालतू होते हैं, पालतू बच्चों के पालतू डॉग्स के बच्चे होते हैं, फिर वो एडॉप्ट करते हैं लोग, ऐसे होता है नेचुरली। जर्मनी इटली जो एरिया है ना यूरोप का, इधर ही होते हैं जर्मन सेफर्ड। तो यहाँ भयानक मैंने आवाज़ सुनी है, बहुत भयानक होती, दूर से भौंकते हैं, भों भों करते हैं ना आवाज़, जैसे इको होकर आती है पूरे, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। चलिए चलते हैं अंदर, अपना काम करते हैं।
2 hours later. फ्रेंड्स अभी दोपहर के बज गए हैं 1 और ये पूरा लेमन पूरा सूख गया है और बाल काफ़ी कड़ा हो गया। तब चलिए नहाते हैं, नहा धा के इसे क्लीन कर लेते हैं ठंडे पानी से और उसके बाद चल के कुछ कुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि मेरा फ्रेंड रिनाडो का मैसेज आया था कि वो 2 से 2:30 बजे के बीच में आएगा। उसके फ्रेंड्स थोड़ा लेट कर रहे हैं जिनके कार से वो आने वाला है, तो उसके आने से पहले मैं थोड़ा कुकिंग कर लेता हूँ, खा पी लेता हूँ और नहा धो लेता हूँ, रेडी हो जाते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं नहा लिया हूँ और मेरे फ्रेंड भी आ गया, उसका पूरा सामान यहाँ रख गया। अभी मुझे पानी चाहिए था थोड़ा, तो वो कार से आया था तो गया है थोड़ा पानी लाने के लिए मेरे लिए। बाकी देखिए इतना पूरा का पूरा सामान रिनाडो का है, बाकी कुछ सामान उस साइड में है, टेबल के नीचे मैंने डाल दिया है। सो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं किचन में, कुछ बनाते हैं और खाते हैं। साथ में मैंने अपना ये स्पीकर ले लिया है, म्यूज़िक सुनते रहेंगे और कुकिंग करते रहेंगे। लेट्स गो। सो फ्रेंड्स अभी मेरा ये रेडी हो गया खाना, ये सब्जी कल की थी और इसमें मैंने टोमेटो जो सॉस होता है वो मिला दिया है लिक्विड वाला, तो इसका टेस्ट और इन्हेंस हो गया और फ्रेश हो गया। और मैंने ये बासमती राइस ताज़ा बनाया, तो चलिए इसे फटाफट फिनिश करते हैं। फ्रेंड्स अभी हमारा लंच हो गया और ये कुछ खाना बचा हुआ है तो मैं इसे फ्रिज में रख देता हूँ ताकि सामने बनाना नहीं होगा, इसे ओवन में गर्म करके खा लूँगा, थोड़ा समय बच जाता है ऐसे। अदरवाइज़ सुबह दोपहर शाम अगर 3 टाइम खाना बनाने लग गया तो हो गया पढ़ाई फिर। यहाँ रख देता हूँ ऊपर में ही। ओके चलते हैं ऊपर, थोड़ा एडिटिंग अपनी फिनिश करते हैं उसके बाद फिर स्टडी। आज मैं लेकर आया था अपना स्पीकर भी, यहाँ खूब मज़ा किया मैंने। ये रहा मेरा क्यूट सा स्पीकर, एक बार चेक कर लूँ किचन सब कुछ ओके है। ओके ओके ठीक है सब कुछ, चलते हैं ऊपर। फ्रेंड्स अभी बाहर चलते हैं क्योंकि शाम हो गया है, सामने एक्चुअली घड़ी के अकॉर्डिंग रात हो गई है, बट ये ठीक है इस तरीके से शाम हुई है, कितना प्यारा लग रहा है ये। और इसमें देखिए ना चिड़िया की आवाज़ आ रही है, इधर से पेड़ों से आवाज़ आ रही है पक्षियों की। फ्रेंड्स अभी मेरी सारी एडिटिंग हो गई है और मैं रेंडर के लिए लगा दिया, रेंडर होने में जस्ट 2 मिनट बचा हुआ है, 2 मिनट के अंदर रेंडर हो जाएगा, उसके बाद मैं अपलोड के लिए लगा दूंगा। तो अपलोड होने में मैक्सिमम 4 से 5 मिनट लगेगा क्योंकि अच्छी खासी स्पीड आ जाती है वाईफाई की। तो अभी मैं सोच रहा हूँ ये सब कम्प्लीट करके सो जाऊँगा। फ्रेंड्स ये देखिए रात के बज रहे हैं 2 और बहुत तेज़ी से फॉग हो रहा है, पता नहीं क्यों, दिन में इतना गर्मी था, मतलब गर्मी नहीं था, नॉर्मल था टेम्परेचर, सब कुछ सही था, बट अभी देखिए अचानक से ये फॉग हो रहा है। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है सर्दी आने वाली है। ये देखिए कैसा व्यू आ रहा है पूरा, ये देख रहा है ना लाइट के पास पूरा फॉग क्लियर समझ में आ रहा है, और ये अचानक से होने लगा है। ये देखिए इस साइड में पूरा फॉग फॉग हो गया है। तो चलिए फिलहाल अभी ये अपलोड में लगा दिया है, 2-3 मिनट लगेगा अपलोड होने में। तो चलिए इस ब्लॉग कहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।